बेरे बेरे का प्राणी अपना का होया बिराणा अपना ते क्या लाणी साटी भूती चेत बुवा मेरो बुढ़िया वेगी वेगी राम क्वालू बोला। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल उर्गम घाटी और आप सभी का स्वागत मेरे चैनल उर्गम घाटी पर। तो दोस्तों, फिर से हम आपके लिए एक और नई वीडियो लेकर आए हैं अपने चैनल उर्गम घाटी पर, जो कि इस प्रकार से है। उर्गम वैली आपने देखा होगा, जिसने नहीं देखा वो भी देखें। उर्गम वैली के कामकाज और यहाँ पे किस तरीके से यहाँ पे कामकाज किए जाते हैं, और जो कि मैं आजकल बता दूँ आपको, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर का जो महीना है, इस महीने में यहाँ पे क्या क्या काम दाम होते हैं, आप देखिए वीडियो के माध्यम से, आपको पूरी वीडियो में दिखाया जाएगा। यहाँ पे जो कि मैं बता दूँ, इस महीनों में यहाँ पे राजमा की फसल तैयार हो जाती है और राजमा बोई जाती है यहाँ पे, और यहाँ पे जो कोदा मंडुआ होता है उसकी भी यहाँ पे कटाई होती है, और साथ ही धान की भी यहाँ पे कटाई होती है। तो दोस्तों, आप देख सकते हो किस प्रकार से यहाँ की महिलाएँ कामकाज में अपना मन लगाती और साथ ही आनंदित होकर और प्रशंसित होकर के अपने काम को अंजाम देते हैं। देखिए इस तरीके से यहाँ पे महिलाएं खुश मिजाज होती है और यहाँ पे काम काज कितने आसानी से करती है, यहाँ पे आप देखिए वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों, आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर आप पहले से हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें दोस्तों। और झंगुर बना साटी कोदू राजमा। अभी तुम कौन से खेत में आ रहे हो, किस चीज का खेत है ये? चुआ। चुआ क्या होता है? बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। अभी आप इसको काटोगे? अभी नहीं, अब आ गई इसके काट के, वो काट का मैंने काटा नहीं। अच्छा, काट का मैंने काटा नहीं। साटी बूती चेत बुवा मेरो बुढ़िया वेगी वेगी राम क्वालू बोला। दोस्तों, आप देख सकते हो मंडुआ, ये देख सकते हो मंडुआ, और ये मंडुआ की रोटी आपने खाई होगी, काफ़ी फेमस है पहाड़ों में। और यहाँ पे ये देखिए किसान लोग जो कि अपना मंडुआ को सुखा रहे हैं धूप पे। ये देखिए बालियों से, ये यहाँ पे बालियाँ हैं, बालियों से छन के ऐसा हो गया है, अभी इसकी छटाई और होगी। ये आपने कब निकाला मंडुआ? ये मंडुआ परसों। परसों? एक हफ्ता हो गया है। और कैसे मेहनत करते हो आप इसको छटाई करने में मंडुओं को? इसे हम पांव से करते। पांव से करते हो उसकी छटाई? ने बोला है तब। नाना माना नहीं यार, माना रे बात बोल पोतो कौन। मतलब पांव से इसको मानते हैं, मतलब पांव से इसको हिलाते हैं, तब जाके ये ऐसा बन जाता है। ये देखिए दोस्तों, मंडुआ काफ़ी पौष्टिकार होता है, मंडुआ की रोटी में। इसकी रोटी बनेगी चक्की में जाके ये पीसेगा। आप इसको चक्की में ले जाते हैं कि घट में पीसते हैं? चक्की में। रोटी कैसी होती है इसकी? रोटी अच्छी होती है, बहुत अच्छी। अच्छा, उर्गम वैली का फेमस मंडुआ। ये देखिए दोस्तों, उर्गम वैली का फेमस मंडुआ कोदे की रोटी आपने खाई होगी, अगर नहीं खाई होगी तो आप यहाँ आ सकते हो, खा सकते हो उर्गम वैली में आके। मेहनत होती है इस चीज में, कष्ट करके खाया जाता है। हाँ बिल्कुल, सही काम मिलेगा, हल चलाना, गोबर डालना, गुड़ाई मिलाई। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये प्योर गोबर की खाद से है, इसमें कोई केमिकल की खाद इसमें प्रयोग नहीं हुई है। जैविक खाद जो गाय का गोबर होता है, खास करके बर्फों में खाने में बहुत और ही मजा आता है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ठंडियों में इसको खाएंगे तो बहुत अच्छा लगता है शरीर के लिए भी, और शरीर को गर्माहट देता है मंडुए की रोटी। दोस्तों, आप देख सकते हो धान की फसल पूरी तरह से पक चुकी है। देखिए धान, ये धान की बालियां आपने कभी देखा नहीं होगा। ये देखिए उर्गम की धान, ये धान की बालियां देखिए पूरे पकने को तैयार है, इस महीने पक जाएगी, भादों के महीने में।
ये देखिए पूरे धान की बालियाँ। तो दोस्तों आप देख सकते हो लहराती हुई धान की फसल जो कि अगले महीने तक कट जाएगी। देखिए पकने को आ चुकी है पूरी। चनुमा करू ढेरू, चनुमा करू ढेरू, गरी गऊ छड़ू चढ़ी तेरा बाना, लठियाई तेरे खाती खड़ोनी तेरा बाना, लठियाई तेरे खाती, माया की जगी आग, माया की जगी आग, अंधेरा माँ मरी ऊँचा जानी बूझी के फाऊ, अंधेरा माँ मरी ऊँचा खड़ोना तेरा बाना, लठियावा तेरे खाती दगड़िया तेरा बाना, लठियावा तेरे खाती, निहोंदू में पुजारी ते निहोंड़िया जानी को, निहर दू तो आँखियों माँ निरोंदू सदानी को, दुनिया समाज को, दुनिया समाज को, कनी मुख मड़ू चा कड़ूनी तेरा बाना, लठियाई तेरे खाती कड़ूनी तेरा बाना, लठियाई तेरे खाती, भीतर का हूँ या बेरी बेरी का पराण, अपनी हूँ बिरण बिरण की कलाणी, भीतर का हूँ या बेरी बेरू का पराण, अपनी हूँ बिरण बिरण की कलाणी, आँखा कांदुड़ी बूझी, आँखा कांदुड़ी बूझी, बोगा करू चढ़ी तेरा बाना, लठियावा तेरे खाती दगड़ा तेरा बाना, लठियावा तेरे खाती, छुया छी करौड़ा रिसाड़ रिसाड़ा, तुम्हारी मेरी माया का गीत सुना, छुया छी करौड़ा रिसाड़ रिसाड़ा, तुम्हारी मेरी माया का गीत सुना, चनुमा करू ढेरू, चनुमा करू ढेरू, गरी गऊ छड़ू चढ़ी तेरा बाना, लठियाई तेरे खाती खड़ोनी तेरा बाना, लठियाई तेरे खाती, माया की जगी आग, माया की जगी आग, अंधेरा माँ मरी ऊँचा जानी बूझी के फाऊ, अंधेरा माँ मरी ऊँचा कड़ूना तेरा बाना, लठियावा तेरे खाती दगड़िया तेरा बाना, लठियावा तेरे खाती, निहोंदू में पुजारी ते निहोंड़िया जानी को, निहर दू तो आँखियों माँ निरोंदू सदानी को, दुनिया समाज को, दुनिया समाज को, कनी मुख मड़ू चा कड़ूनी तेरा बाना।
कयूं देरू घर गाऊं छोड़ी के लठला तेरे बाना निहोन्या तेरे खाती अपना का होया बेरी धेरे का परवान अपना का होया बेरी धेरे का परवान अपना का होया बिराना अपना ते क्या ला। हमारे यहाँ की राजमा बहुत फेमस राजमा है। ये राजमा अच्छी डिमांड है, बाहर से लोग इसको खरीदते भी हैं और मांग भी इसकी बढ़िया है। फिर जो हर सिल में होती है उसका इतना वो नहीं है जितना इस राजमा में लोगों को अच्छा स्वादिष्ट लगता है। ये होटल वाले भी और जो बाहर से भी यहाँ पे यात्री लोग आते हैं वो बहुत पसंद करते हैं हमारे यहाँ की राजमा को। तो हम अपने किसान भाइयों से आग्रह करते हैं कि इस खेती को और ज़्यादा बढ़ाया जाए इसमें, क्योंकि आदमी की आजीविका भी चलती है। और जो अभी इसमें ये डबल फसल है, इसमें राजमा बो गई राजमा, फिर जो पहले की इसमें फसल है ये आलू है, फिर ये दोनों फसलें निकाल पहले राजमा निकालेंगे, राजमा के बाद आलू निकाल देंगे। तो ये इसमें जो है कि डबल फसल हो जाती है, ये दलहनी फसल बहुत अच्छी होती है, इसलिए इसका हमें लाभ भी मिल जाता है। और हमारे यहाँ पे उर्गम वैली में काफ़ी प्रचलित है राजमा चौलाई आलू, हर प्रकार की दाल सब्जियाँ यहाँ पर उपलब्ध हो जाती है।